बिहार में बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बन रही है। मुजफ्फरपुर कांड के बाद ये एक बड़े मसले के तौर पे सरकार के सामने एक चैलेंज है, बिहार के आवाम के सामने एक चैलेंज है। इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ये मामले सिर्फ मुजफ्फरपुर के नहीं हैं, मोतिहारी और रक्सौल में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। 2 साल पहले रक्सौल में इस तरह के मामले सामने आए थे। अल्पवास गृह, बाल सुधार गृह से लड़कियों का गायब होना, संदिग्ध अवस्था में मौत, मोतिहारी अल्पवास गृह में कई मौत इस तरह की हो चुकी है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, ताकि उसकी परतें खुल सके। आखिर क्या कारण है कि संदिग्ध अवस्था में मौत होती है? आए दिन 6 महीने साल भर पे इस तरह की कोई ना कोई मौत देखने को मिलती है अखबार के सुर्खियों में। आए दिन मोतिहारी में रिपोर्ट इस तरह की छपती रहती है, कई मौत हो चुकी है मोतिहारी अल्पवास गृह में, संदिग्ध अवस्था में। 11th आवर में उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और आखिरकार नतीजा होता है कि वो लड़कियाँ दम तोड़ देती हैं। उसकी कोई जाँच नहीं होती, कोई रिपोर्ट उस पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ये काले करतूत छुपे रह जाते हैं। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में उजागर हुआ है, जिसके बाद वावेला मचा हुआ है। अब जिसन रोड पे है, देखिए क्या होता है। हालांकि सरकार को इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए।